बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन मलाई टिक्का ग्रेवी वाला। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। शुरू करने से पहले नाज़रीन, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है आप लोग उस पर क्लिक करें, साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको जब भी हम अपनी वीडियोस अपलोड करें आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो फटाफट नोट कर लीजिए इंग्रेडिएंट्स। तो ये हमारी लिस्ट इंग्रेडिएंट्स की, और आइए नाज़रीन शुरू करते हैं। तो चिकन मलाई टिक्का बनाने के लिए जो हमें सबसे पहले चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हमारे पास चिकन है। हमने 1 kg बोनलेस चिकन ले रखा है जिसे हमने क्लीन कर एक बोल में, एक डिश में रख लिया है। साथ ही हमने ले रखी है 1 बड़ी प्याज जिसका हमने पेस्ट बना लिया है, नमक हसबे ज़ायका, 1 छोटा चम्मच नाज़रीन हमने ले रखा है काली मिर्च पाउडर का, 1 कप ले रखी है हमने फ्रेश दही, तो ये हमारी नाज़रीन दही है। साथ ही हमने बटर ले रखा है, तो 3 teaspoon हमने बटर ले रखा है, और साथ ही हमने ले रखा है 1 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, यह हमारे पास सूखा हुआ पुदीना है, 1 छोटा चम्मच हमारे पास चाट मसाला पाउडर है, और 1/2 छोटा चम्मच हमारे पास गरम मसाला पाउडर है। साथ ही हमने हरी मिर्च और हरा धनिया का पेस्ट बना के ले रखा है 2 छोटे चम्मच, और ये हमने कोल ले रखा है बघार के लिए। ये हमारे पास 1/2 कप अमूल फ्रेश क्रीम है, 1 छोटा चम्मच हमारे पास खशखाश है, 2 छोटे चम्मच हमारे पास चारों मगज है, और 10 से 15 अदद हमारे पास काजू है। तो और ये हमने थोड़ा सा नाज़रीन असली घी ले रखा है। अब हम सबसे पहले मैरिनेशन करेंगे। तो हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमने इसमें ऐड कर दी दही, और उसके बाद जब हमारे पास हरी मिर्च और हरा धनिया का पेस्ट है वो हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, और साथ ही हमने डाल दिया इसमें हसबे ज़ायका नमक, और अब हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर यानी ब्लैक पेपर पाउडर, और इधर हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इसमें डाल दिया है। और अब हम हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे, और कम से कम आप 1.5 से 2 घंटे रख देंगे इसे साइड में। अब हम लेंगे एक पैन 2 घंटे बाद, 2 घंटे के लिए हमने मैरिनेट करके रख दिया है, और इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा बटर। ये हमारा तवा है नाज़रीन नॉनस्टिक, हमारा थोड़ा सा ये बटर मेल्ट हो जाएगा। हमने 1 छोटा चम्मच इसमें बटर डाला है, और बस ये जलना नहीं चाहिए, और इससे पहले ही हम इसमें रख देंगे अपने चिकन के पीसेस। तो चिकन के पीस आप एक एक उठाते रहिए, और आपको बता दें कि ये हमने बोनलेस चिकन का बनाया है। आप चाहें तो बोन के साथ भी ये रेसिपी बना सकते हैं। बस अब हमें बहुत अच्छी तरीके से इसे इस तवे पर, तो आपकी ग्रिल मार्क्स ऐसे आ जाएंगे, तो हम इसे अलट पलट कर बहुत अच्छी तरीके से हमें ऐसे रोस्ट कर लेना है। आपको ये नज़र आ रहा होगा नाज़रीन। अब हम देंगे इसमें कोल बघार, जिसके लिए हम एक कोयले को नाज़रीन रखेंगे गैस पर। जब उस नाज़रीन अंगारा को जब हम कोयले को जब हम गैस पर रखते हैं, उसके ऊपर जब हम बटर डालते हैं उसका जो धुआं निकलता है उसको हम कोल बघार कहते हैं। तो उसको हमने साइड में ढककर रख दिया है हमने चिकन को। अब हम लेंगे एक दूसरी कढ़ाई, और उसमें डालेंगे हम प्योर घी। तो हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें घी डाला है, और साथ ही हम डाल देंगे इसमें प्याज। तो प्याज को हमें हल्का सा इसमें फ्राई कर लेना है। अब हमने एक पेस्ट बना लिया था नाज़रीन, ये पेस्ट काजू चारों मगज और खशखाश को डालकर हमने बनाया था। तो हमने प्याज में ये पेस्ट ऐड कर दिया है। फ्लेम हमारी इस टाइम बिल्कुल लो है, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा बटर भी डाल देंगे। तो अब हमने इसमें ऐड कर दिया चाट मसाला पाउडर, तो ये हमारा चाट मसाला पाउडर इसमें ऐड हो गया है, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमारा मैरिनेशन का मटेरियल बचा हुआ था जिसमें हमने चिकन अपना रखा था, वो इसमें हमने ऐड कर दिया। इधर आइए चिकन की तरफ तो चलते हैं, और हमारा इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी एक अलग ही अरोमा नाज़रीन, जो आप कोल बघार देते हैं तो उसका बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आती है। तो हमने इसमें अब चिकन पीसेस डाल दिए जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, साथ ही हम डाल देंगे इसमें पुदीना और क्रीम। तो ये हमने
दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। बहुत ही आसान सी इसकी रेसिपी है, आपको देखने से थोड़ा लग रहा होगा लेकिन इसके चिकन का जायका बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ज़बरदस्त। आप इसे तसला चिकन भी कह सकते हैं और पुरानी दिल्ली का ये काफ़ी मशहूर चिकन है। असलम चिकन पॉइंट अगर आप जानते हैं तो वहाँ पर चिकन इसी तरीके का बनता है। आइए आपको एक टिप दे देते हैं, जिस तवे में नाजरीन हमने अपने चिकन पीसेस डाले थे तो उसका अगर हाल ऐसा हो जाता है नाजरीन तो उसको कैसे क्लीन किया जाता है, ये भी आपको साथ साथ एक टिप देते चले। तो हमने गैस की फ्लेम ऑन कर दी और उसमें हमने तकरीबन आधा ग्लास पानी डाला है और साथ ही हमने डाल दिया इसमें एक कोई भी आप डिश वॉशर लिक्विड कोई भी ले लें। और अब हम लेंगे एक स्क्रब और उससे हम हल्का हल्का सा नाजरीन ऐसे स्क्रब करेंगे। तो इसको अब हम ऐसे हल्के हाथों से बिल्कुल ऐसे करेंगे तो ये हाथों हाथ नाजरीन आपकी ये गंदगी सारी निकल जाएगी। आपको नज़र आ रहा होगा गैस की फ्लेम हमने ऑफ कर दी है, पानी आपका थोड़ा गर्म है, तवा क्योंकि गर्म था तो हमने हाथों हाथ इसे आपको दिखा देते हैं कितनी आसानी से आपका तवा ये बस एक दो मिनट में ही साफ हो जाएगा। अब हम इसे वॉश कर लेंगे तो आपको दिखा देंगे नाजरीन। बस अब हम पानी से इसे धो लेंगे तो आपका बिल्कुल क्लीन सरफेस हो के बहुत ही आसानी से, आपको बहुत देर तक इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इसे साफ किया है तो आपका नाजरीन तवा देखिए कितना चमक कर बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी आज की ये टिप भी पसंद आई होगी। ये देखिए नाजरीन, आइए चलते हैं चिकन की तरफ जिसे हमने 5 मिनट के लिए हल्की आँच पर रख दिया था। अब देखिए साइड में ये बटर आ चुका है यानी हमारा चिकन बिल्कुल तैयार है और ये अच्छी तरीके से पूरा टेंडर हो चुका है। अब हम निकाल लेंगे इसे एक तसले में, सर्व करेंगे गर्मा गर्म अपना चिकन। तो उम्मीद करते हैं चिकन मलाई टिक्का ग्रेवी वाला बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा आपको। इस अगर आपने आज की हमारी रेसिपी इंजॉय करी है नाजरीन तो लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही शेयर भी कर दीजिए। दीजिए इजाज़त, फिर से मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।